सब ने मैसेज में लिखा है, लुधियाना और अलग अलग स्थानों से हैं, कहा हम पंजाब से हैं, आपको प्रणाम करते हैं, हृदय से आपके प्रवचन सुनते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, हम जैसे हजारों लोगों के उद्धार के लिए आप पंजाब पधारिए। फिर वो लुधियाना से आए हुए बैठी व्यक्ति थे, इतने दूर से थे, तो मैंने देखा भीड़ के बीच में भी, बेंगलोर वालों से तो कल परसों तरसों मिल लूंगा, इनको एक 5 मिनट दे देता हूं, तो उनसे बात करने लगा। मुझे पधारिए ना, मैंने कहा वहां नहीं आ सकता, बहुत दूर पड़ता है, मुनासिब नहीं है, तकलीफ है। नहीं नहीं मारसा पधारिए, आप जैसे लोग यूं कहोगे तो हमारा कौन होगा मारसा, इतना बड़ा अपना जैन समाज है, स्थानकवासी समाज भी बहुत है, स्थानकवासी समाज में तो भी थोड़े बहुत चौमासे होते हैं और अच्छे तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, मंदिर मार्गियों की हालत तो बिल्कुल कमजोर है। मैंने कहा क्यों, इतने सारे साधु भगवंत है ना पूरा लुधियाना का, मैंने कहा समाज वो लोग संभालते ही है ना। क्या मारा साहब संभालते हैं, उसने कहा, ये पास में बैठे थे, सामने कई सारे लोग बैठे थे। मैंने कहा मारा साहब हमारे वहां तो एक मंदिर मार्गी आचार्य भगवंत ने एक कब्र बनाई है, उसको वो महिमा मंडित कर रहे हैं।